क्या होगा अगर मैड टाइटन थैनोस और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का मैड टाइटन या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो इस फाइट को हम दो पार्ट में देखेंगे, पहला अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। तो थैनोस और रावण दोनों ही अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्भा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जांपल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहां पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से वानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है जिससे उसके वॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है। और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाए तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहां का गॉड बन जाना और वहां पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स, और थैनोस और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस रावण को हरा सकता है। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारा है, पर आज से पहले कभी भी उसने रावण जैसा
ऐसा ना ही कुछ सुना होगा, ना ही कुछ देखा होगा, ना ही कुछ फेस किया होगा, और ना ही इसके बाद वो कभी करेगा। थानोस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल और सुपर ड्यूरेबल है, पर इन सब चीजों में रावण उससे बहुत आगे है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। रावण ने अपने टाइम के बहुत सारे महाशक्तिशाली राजाओं, असुरों और देवताओं तक को हराया है, जो कि ऑब्वियसली थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। थानोस एक ट्रेंड वॉरियर है, पर रावण की स्ट्रेंथ और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के आगे उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस किसी काम नहीं आएंगे। और रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी इंसान के लिए ही संभव है। इसलिए मैड टाइटन ना ही उसे हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है। हाँ, अगर थानोस विभीषण को ढूंढ कर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले, वो अलग बात है। और रावण के सुपर पावरफुल और मैजिकल अस्त्रों के आगे थानोस की स्पॉट कहाँ स्टैंड करती है, इसका आइडिया तुम खुद लगा सकते हो। पर चलो मान लेते हैं कि थानोस रावण से ज्यादा पावरफुल है, रावण को एक अच्छी फाइट देता है और क्लोजअप में जाकर एक ही अटैक में रावण का सिर भी काट देता है, फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सुपर हीलिंग तो है, पर वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता, जो कि रावण को एक तरह से अनडिफीटेबल बना देती है। अगर थानोस हजार बार भी रावण का सिर काट देता है, तो वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, तो इन दी एंड थानोस ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण के पास थानोस को हराने और मारने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर रहेगा। पर क्या होगा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो, तब भी क्या ये रिजल्ट सेम ही रहेंगे या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थानोस की पावर्स हजार गुना तक बढ़ जाती है और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है, जिससे रावण के सारे अस्त्र थानोस तक पहुंचने से पहले ही फूल बन जाएंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बने थे, जिसे तुम हमारी भाषा में चमत्कार भी बोल सकते हो। रावण वैसे तो बहुत ही पावरफुल करेक्टर है और तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव है, पर जहाँ पे बात चमत्कार किया जाती है, वहाँ पर कुछ भी कहना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दी एंड अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो, तो थानोस जहाँ चाहे और जो चाहे वहाँ पर वही होगा। इससे शायद थानोस ब्रह्मदेव के वरदान तक को बदल सकता है या फिर उसमें कोई लूपहोल क्रिएट कर सकता है, जिससे वो इस फाइट का एक विनर बन सकता है। बाकी आपके हिसाब से इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस के साथ इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो अगर रावण को ये सभी इन्फिनिटी स्टोन्स दे दिए जाए? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।